हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटविज। इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे जो लास्ट रिक्रूटमेंट हुआ था यूपीपीएससी एई के लिए, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हम डिस्कस करेंगे, सो दैट आपको एक आइडिया हो जाए कि इस बार के इंटरव्यू में किस अप्रोच से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अकॉर्डिंगली, सो दैट आप प्रिपरेशन कर सको। और ये सीरीज का पार्ट टू वीडियो है। पुराने वीडियोज के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, यूपीपीएससी एई इंटरव्यू प्रिपरेशन नाम से मैंने बना रखा है प्लेलिस्ट। सो लेट्स स्टार्ट। जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट वाज आस्क्ड इन लास्ट इंटरव्यूज, दैट इज व्हाट इज इन्वर्ट इन द सीवरेज सिस्टम। ये आप लोग ने अपनी जब तैयारी की होगी पढ़ भी रखा होगा कि जो भी हम सीवर्स ले डाउन करते हैं उसमें जो हमारा इनर डायमीटर का जो लोवेस्ट पॉइंट होता है वो हमारा इन्वर्ट कहलाता है। कंफ्यूजन इसमें रहती है कि लोग इसको इन्वर्ट समझ लेते हैं, बट दिस इज नॉट इन्वर्ट, दिस इज द बॉटम ऑफ द सीवर एंड दिस इनर डायमीटर का जो लोवेस्ट लेवल है दैट इज कॉल्ड इनवर्ट, और इसी तरह जो इनर डायमीटर का टॉप लेवल है दैट इज कॉल्ड क्राउन, और जो हमारा आउटर डायमीटर का जो टॉप पोर्शन है दैट इज कॉल्ड टॉप। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, यू कैन यूज डायग्राम्स टू एक्सप्लेन द मेंबर्स। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बेस पीरियड एंड क्रॉप पीरियड। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ये लोग आपने इरिगेशन इंजीनियरिंग में पढ़ रखा है कि बेस पीरियड हमारा फर्स्ट वाटरिंग और लास्ट वाटरिंग के बीच में जो टाइम पीरियड होता है वो होता है किसी भी क्रॉप के लिए, और जो क्रॉप पीरियड होता है दैट इज द टाइम जब हमने क्रॉप को फील्ड पर सो किया यानी बोया, और जिस टाइम पे क्रॉप हमारा हार्वेस्ट किया गया वो जो टाइम पीरियड होता है दैट इज कॉल्ड क्रॉप पीरियड। तो इससे ये पता चल गया कि क्रॉप पीरियड जो है वो हमारा बेस पीरियड से ज्यादा होता है हमेशा। ठीक है, उसका थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नेट सेफ एंड अलाउबल बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सोयल। तो यहां पे मैंने तीन बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो आपको पता होना चाहिए, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सोयल से उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंटरव्यूज में। सो जो ग्रॉस सेफ बियरिंग कैपेसिटी है वो मैक्सिमम ग्रॉस इंटेंसिटी है जिसमें हमारा ओवरबर्डन प्रेशर जो आ रहा है सरचार्ज की वजह से वो इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग इस केस को इंक्लूड किया गया है कि हमारा जो शेयर फेल्योर है वो हमारा ना हो इतने लोड के साथ। और नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी में मैक्सिमम नेट इंटेंसिटी जो है जिसमें कि हम जो सरचार्ज है अबाउ द बेस ऑफ द फुटिंग अप टू द ग्राउंड लेवल वो हटा देते हैं, और वो जो नेट इंटेंसिटी है एट द बेस ऑफ द फाउंडेशन जो सॉयल कैन सपोर्ट विदाउट द रिस्क ऑफ सॉयल फेल्योर शेयर फेल्योर। और जो अलाउबल बियरिंग प्रेशर है वो हमारा मैक्सिमम अलाउबल नेट लोडिंग इंटेंसिटी है सॉयल पर at which soil never fails in shear and does not pose any excessive settlement or can be say that settlements are under permissible limit. So, allowable जो bearing pressure है वो net loading intensity corresponding to non-failure, non-shear failure and settlements within the permission limit दोनों को criteria से governed है, लेकिन जो net safe bearing capacity है that is only governed by the prevention of shear failure की इतनी loading intensity पर हमारा जो शियर फेल्योर है वो नहीं हो रहा है एट द बेस ऑफ द फाउंडेशन। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारा ऑफशोर स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। बेसिकली अगर किसी ने ओएनजीसी में काम किया है तो उसे आइडिया होगा कि ऑफशोर स्ट्रक्चर्स वो स्ट्रक्चर्स हैं जो हम ओशियंस वगैरह में बनाते हैं फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ द ऑयल एंड गैस एट विच आर लोकेटेड इन डेप्थ। वो शैलो ओशियंस में भी हो सकते हैं, शैलो वाटर्स में भी हो सकते हैं और डीप ओशियंस में भी हो सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि किस वाटर डेप्थ पे वो सिचुएटेड है उसके अकॉर्डिंग हमें स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट बनाना होता है। तो बेस्ड ऑन द ज्योमेट्री एंड बिहेवियर ऑफ स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर्स ऑफ सोर स्ट्रक्चर्स फॉर ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट हैज बीन डिवाइडेड टू फॉलोइंग कैटेगरीज। तो ये आप जस्ट एक आपको ओवरव्यू हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर्स दिए हैं, फिक्स प्लेटफॉर्म्स, कॉम्प्लायंट टावर्स एंड फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पर मैं आपको फोटोग्राफ दिखा देता हूँ कि दिस इज एन ऑफशोर स्ट्रक्चर जो कि ओशियन के बीच में बनाया है फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ द गैस एंड द ऑयल। ये दीज आर सिमिलर स्ट्रक्चर्स जो कि आजकल ओएनजीसी और जितनी प्राइवेट फर्म्स हैं जो इस फील्ड में काम कर रही हैं ऑयल एंड फील्ड सेक्टर में वो इस तरह के ऑफशोर स्ट्रक्चर बना के सॉयल ये आपका गैस और ऑयल का एक्सप्लोरेशन करती हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। अगर आपसे पूछा जाता है तो सबसे पहले जो आपका बेसिक क्लासिफिकेशन है उसके बारे में आपको बात करनी है कि हमारे दो तरीके के फाउंडेशन होते हैं, सैलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन, जो कि आपको फोटो में दिख रहा है। एंड जो डिस्टिंक्शन है वो ये है कि जो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है वो लेस देन आर इक्वल टू विड्थ ऑफ द फुटिंग। दिस इज द विड्थ ऑफ द फुटिंग और दिस इज द डेप्थ ऑफ द फुटिंग। तो जब तक हमारी जो डेप्थ ऑफ फुटिंग है वो विड्थ से कम या उसके बराबर है
ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड शैलो फाउंडेशन, और जब हमारा ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा तो दीज फाउंडेशन आर क्लासिफाइड एज डीप फाउंडेशन, एंड दिस इज द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट शैलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन में आपका आइसोलेटेड स्प्रेड फुटिंग्स, वॉल फुटिंग्स, और डीप फाउंडेशन में आपके पाइल फाउंडेशन एंड बेसिकली पियर कैसान फाउंडेशन, जिसमें आपका एक वेल फाउंडेशन भी आता है अलग से, और जो आपके कंबाइंड फुटिंग कैंटिलीवर स्टार फुटिंग से दे आर क्लासिफाइड अंडर शैलो फुटिंग्स, और रेफ्ट आर मैट फाउंडेशन भी हमारा शैलो फाउंडेशन की क्राइटेरिया में आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, दैट इज व्हाट इज रेफ्ट फाउंडेशन और कहां हम इसे यूज करते हैं। तो बेसिकली जितनी आजकल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन रही हैं, वहां पर हम जो स्ट्रक्चर अपना स्टार्ट करते हैं तो वहां पर एक रेफ्ट डालते हैं जिसमें लार्ज नंबर ऑफ कंक्रीट वॉल्स एंड कॉलम्स आर सपोर्टेड, जिसमें जो एरिया ऑफ स्प्रेड फुटिंग्स है, दीज आर द स्प्रेड फुटिंग्स, जो आप ये इंडिविजुअल फुटिंग्स देख रहे हो दीज आर द स्प्रेड फुटिंग्स, इनकी जो एरिया है ऑफ द ग्रॉस एरिया ऑफ द बिल्डिंग वो 50% से ज्यादा है, ठीक है। और एडवांटेज क्या है, यूनिफॉर्म लोड डिस्ट्रीब्यूशन इज देयर, एंड ऑल्सो जब हमारी सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं होती है तो हम रैफ फाउंडेशन डाल के काम चला लेते हैं, ठीक है। एंड ग्रेटर वेट एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ मैट प्रोवाइड्स अ सफिशिएंट रेजिस्टेंस, तो आपको जस्ट एक आइडिया होना चाहिए, अगर आपको आइडिया रहेगा यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन, ठीक है। दीज आर सम रैफ फाउंडेशंस प्लान एंड एलिवेशंस, इसमें ये हमारी स्प्रेड फुटिंग्स हैं जो कि हमारे रैफ्ट पर इरेक्ट हो रही हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर लिमिट्स ऑफ रेनॉल्ड नंबर्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो। तो जब आपसे ये पूछा जाता है तो बेसिकली वो पूछना चाह रहा है कि हमारा जो पाइप फ्लो में लामिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो होगा उसके लिए हमारी क्या रेंजेस हैं, ओपन चैनल फ्लो के लिए क्या रेंजेस हैं, और फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स के लिए क्या कंडीशंस हैं। तो ओसीएफ के लिए आपने पढ़ रखा है कि लामिनार फ्लो हमारा तब होगा जब हमारा रेनॉल्ड नंबर लेस देन 500 होगा, एंड इट विल बी इन टर्बुलेंट फ्लो व्हेन इट इज ग्रेटर देन 22,000। तो इस तरह आपको ये क्लासिफिकेशन बताना है, एंड रेनॉल्ड नंबर आपको पता है इट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ द इनर्शिया फोर्सेस एंड द विस्कस फोर्सेस, एंड रिमेंबर दिस फॉर्मूला यू ऑलरेडी नो, बहुत ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, या आप ध्यान रखिए इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बेसिक डेफिनेशंस एंड बेसिक क्लासिफिकेशन वाले जो चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। व्हाट इज प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स, इस पर मैं बात नहीं कर रहा, आपने पढ़ रखा है आपको पता है, विल बी एबल टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन। उसके बाद 19th क्वेश्चन है कि आप कोई भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को आपको डिजाइन करना है तो आप कैसे करोगे। अगर ये एक जनरल तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है तो बेसिकली आप उसको 6 steps में अपना ये डिजाइनिंग का प्रोसेसर बता सकते हो कि सबसे पहले हमारा जो स्टेप है वी विल हैव टू सी कि हमारी इनिशियल डिजाइन कंसिडरेशंस क्या है, जिसमें कि आप ये देखोगे कि हमारी स्टेबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है, कि कहीं ऐसे तो नहीं आप अर्थक्वेक सेस्मिक जोन में इस 5 में या 4 में डिजाइन कर रहे हो जहां पे सेस्मिक प्रोन एरिया है, नंबर ऑफ फ्लोर्स आपको कितने रखने हैं, हमारी बिल्डिंग की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ठीक है। ये सारे एस्पेक्ट्स आपको देखने होंगे कि आप बिल्डिंग डिजाइन जब करने जा रहे हो। उसके बाद आपको ये देखना होगा, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट वी हैव टू डिसाइड कि आपका स्ट्रक्चरल सिस्टम आपको क्या रखना है, कि आपको फ्रेम स्ट्रक्चर रखना है या आपको लोड बियरिंग स्ट्रक्चर रखना है, तो ये सारी चीजें आपको डिसाइड करनी होंगी सेकेंड स्टेज में। थर्ड स्टेज में क्या करेंगे, जब आपने स्ट्रक्चरल सिस्टम डिसाइड कर लिया तो जो उसके बेसिक एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स की आप प्रिलिमिनरी साइजिंग करेंगे, जिसमें आपका फ्लोर स्लैब होगा, बीम्स होंगी, कॉलम्स होंगी, ब्रेसिंग्स होंगे, ठीक है। तो जब आप प्रिलिमिनरी साइजिंग कर लेंगे उसके बाद आपको क्या करना होगा, मेन जो डिजाइनिंग का पार्ट है वो एनालिसिस एंड एलिमेंट डिजाइन। एनालिसिस में आप क्या करेंगे कि जो भी आपने प्रिलिमिनरी साइजिंग की उसके बाद आप जो लोडिंग क्वांटिफाई करेंगे एज पर जो हमारे IS 875 कोड है उसके अकॉर्डिंग आप लोड क्वांटिफाई करेंगे, ठीक है। लोड क्वांटिफाई करने के बाद आप इंटरनल फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट्स कैलकुलेट करेंगे फ्रेम में, और उसके बाद जो भी हमारे एलिमेंट्स इंडिविजुअल एलिमेंट्स आ रहे हैं उसके बाद आप उनको डिजाइन करेंगे। वेरियस सॉफ्टवेयर्स आर देयर लाइक स्टार्ट प्रो वगैरह सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, और बहुत सारे हमारे एम्पिरिकल मेथड्स हैं, लेकिन हमारे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में आजकल यूज नहीं होते हैं इस तरह के मेथड्स, वी गो फॉर स्ट्रक्चरल डिजाइन सॉफ्टवेयर्स फॉर डिजाइन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स। उसके बाद जो हमारी डिजाइनिंग किया आपको उसको चेक करना होगा कि जो हमारी सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट है बिल्डिंग के लिए, जो IS 456 और IS 800 से गवर्न्ड है, डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप का हमारा आरसीसी स्ट्रक्चर है या
स्टील स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से इन सारी सर्विसिबिलिटी क्राइटेरियाज के लिए हमें चेक्स परफॉर्म करेंगे। तो दिस प्रोसेस यू हैव टू एलेबोरेट इन 2-3 मिनट्स, बहुत लेंदी नहीं करना है और बहुत ज्यादा मैथमेटिकल उस पर नहीं जाना है। यू हैव टू जनरली डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ डिजाइनिंग अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अभी के सिनेरियो में जो गवर्नमेंट है सोलर एनर्जी को अडॉप्ट करने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो कर रही है। थोड़ा सा मैं आपको इसकी हिस्ट्री बता देता हूं कि ये हमारी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। तो आप एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, आजकल के जो इंटरव्यूज हो रहे हैं स्टेट पीएससी के या इंजीनियरिंग सर्विसेज के भी जो इंटरव्यूज होते हैं उसमें पूछा जाता है रिलेटेड टू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल में पढ़ लें कि हमारे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस क्या है, बिकॉज आगे आने वाला समय रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का है। सो जो सोलर एनर्जी है बेसिकली हमारी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है एंड इंडिया के पास इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, बिकॉज जो सनी वेदर है वो हमारा एक साल में 250 से 300 दिन रहता है। इसमें एनुअल रेडिएशन जो हमारी मिलती है वो 1600 से 2200 किलोवाट आवर्स पर मीटर स्क्वायर में मिलती है एंड विच इज कम्पेरेबल विद रेडिएशन रिसीव्ड इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। तो इक्विवेलेंट एनर्जी पोटेंशियल जो है इस एनुअल रेडिएशन की वो हमारी लगभग आती है 6000 मिलियन गीगावाट आवर ऑफ एनर्जी पर आवर। और जो स्टेप्स की बात कर रहा है कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं सोलर एनर्जी को अडॉप्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, तो उसमें बेसिकली आपको ये बताना है कि आप गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम्स चलाई हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी। ठीक है, तो उसमें एक स्कीम मैं आपको जस्ट ब्रीफ कर दे रहा हूँ कि डेवलपमेंट ऑफ सोलर पार्क्स एंड अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी 2014 में लॉन्च की गई थी। इस स्कीम में करना क्या था, इट वॉज प्रपोज टू सेटअप एटलीस्ट 25 सोलर पार्क्स एंड अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स टारगेटिंग, जिसमें 20,000 मेगावाट सोलर पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बनाती थी नेक्स्ट 5 ईयर्स में। तो आप अभी ये देख लेंगे कि हमारी जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उनका क्या पोटेंशियल है इंडिया में, अभी एग्जिस्टिंग में हमारे पास कितनी कितनी कैपेसिटी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अवेलेबल है, और बेसिकली जो दो तीन हमारी विंड पावर है, सोलर पावर है, हाइड्रो पावर है, ये तीन इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं जिसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो आप इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एज वेल एज जो फ्यूचर है इनका, उनके जो रिलेटेड इश्यूज हैं, क्या क्या स्कीम्स चल रही हैं गवर्नमेंट की, वो आप थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेंगे जो कि आपको हेल्पफुल हो सकता है इंटरव्यू में। और यहाँ पे मैंने ये लिंक दे दिया है वेबसाइट का, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जीज का। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो हैं उनकी सारी स्कीम्स, क्या हम कर रहे हैं अभी गवर्नमेंट की, क्या प्लानिंग है, और इंडिया का क्या पोटेंशियल है, कितनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, ये सारी चीजें आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएंगी। तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक घंटा टाइम निकालकर इस वेबसाइट को विजिट करें और जस्ट आप एक बार ओवरव्यू के शॉर्ट पॉइंट्स बना लें, सो दैट एटलीस्ट इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो सीरीज में मैं फर्दर 10 क्वेश्चंस आपको बताऊंगा जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।